हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम है शिवांश मसीन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है। मैंने आप लोगों को फ्राइडे के लिए ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड करवाए थे एलजी ब्रोस लिमिटेड एंड अजमेरा रियालिटी, एंड आप लोग उनका स्टॉक्स की रैली देख सकते हैं, 12-12% तक ऊपर गए हैं ये दोनों स्टॉक फ्राइडे के सेशन के अंदर। एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया होगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये दोनों स्टॉक्स हमारे पास होल्ड हैं। इसके अलावा जितने स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट करे गए थे, जितने भी 5 स्टॉक्स, वो सारे ऑलरेडी हमारे पास थे। अजमेरा तो हमारे पास ऑलरेडी मई से पड़ा हुआ था, बट जून में हम लोगों ने उसे बाय नहीं करा था, बट आप लोगों को बाय करवाया। एंड डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों ने कुछ ना कुछ अर्न करा होगा। बट मैं एक बात से आप लोगों के साथ अभी भी नाराज हूं गाइस, कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स डेफिनेटली आप लेकर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 पीपल वॉच दिस वीडियो एवरी डे, और 10% तक भी उस व्यूअरशिप में से 10% भी लाइक नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को एवरी डे 10-12% अर्न करवा रहा हूं, 3-4% अर्न करवा रहा हूं। सो आप लोग एक रिक्वेस्ट के साथ आप 1000-1500 लाइक्स तक नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइज प्लीज, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा है, या फिर अगर आप लोग नए लोग हैं, सो प्लीज फॉलो अस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर विद इन दिस मंथ। एंड अगर आप लोग हमारे साथ बना रहना चाहते हैं, सो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स होप कि अब इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स आ जाएंगे कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही है। आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मेरी तरफ से प्रोवाइड होने वाले हैं। पहली चीज ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो में कहा था कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट से बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करूंगा, कि संडे को आप लोगों को एक रिसर्च रिपोर्ट आपके मेल के थ्रू मिलेगी। आपको एक मेल आएगा हमारी तरफ से, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ से, और वहां पर एक PDF फॉर्मेट में एक रिसर्च रिपोर्ट होगी कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स बेटर हैं, निफ्टी फिफ्टी में क्या कर सकते हो, मार्केट की पूरी एनालिसिस, नेक्स्ट वीक कौन सी मेजर न्यूज आ रही है, क्या मार्केट की हॉलीडे है कि नहीं है, क्या RBI की कोई मीटिंग है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट है, सारी चीजें आप लोगों को एक रिसर्च रिपोर्ट PDF फॉर्मेट के थ्रू प्रोवाइड करवाने की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट्स हम लोग एक ईमेल फॉर्मेट पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ईमेल मिला करेगा ऑन एवरी वीक आप लोगों को मिलेगा। अभी हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं, विद इन अ मंथ और टू हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोगों को एक बेटर रिस्पॉन्स दिखता है, तो हम लोग आगे फर्दर इसके बारे में सोचेंगे। बट आप लोगों को अगर ये रिसर्च रिपोर्ट 2 महीने तक चाहिए, सो आप लोग हमें नीचे डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करिए, अपना नाम डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए एंड अपना ईमेल एड्रेस डालिए। और ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए गाइस, दोबारा चेक करिएगा। और वहां ईमेल एड्रेस पर आप लोगों को नेक्स्ट वीक से रिसर्च रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम आर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव पसंद आए, तो इसीलिए लाइक आप दबा सकते हैं। दूसरी चीज, मैं यहां पर आप लोगों को एक वीडियो शो कर रही होगी, इस वीडियो को आपको जरूर जाके देखना होगा। यहां पर अगर आप लोग मेरी तरह स्विंग ट्रेडर हो, 12-13% अर्न करना चाहते हो और आपकी कैपिटल लिमिटेड है, तो एंजल ब्रोकिंग आप लोगों को आपकी कैपिटल का 4 टाइम्स का लेवरेज देता है, और वो भी होल्डिंग्स में। आप लोग एक स्टॉक को, अगर आपके पास 50,000 रुपए है, तो आप 2 लाख का माल उठा सकते हो, वो भी होल्डिंग में, और उसे 1 महीने तक के लिए भी होल्ड कर सकते हो, और 1 महीने का इंटरेस्ट 1.5% रुपए है, तो बहुत कम है, और आप लोग डेफिनेटली वहां पर फायदा उठा सकते हो। और वो लोग भी फंडामेंटली और ऑप्शंस पे भी रिसर्च रिपोर्ट शेयर करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अभी अपना अकाउंट ओपन करवाइए, और अगर अभी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं जून में और ट्रेड्स लेते हैं, तो आप लोगों को वो इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, प्लस 0 ब्रोकरेज आपको डिलीवरी और इंट्राडे में देनी पड़ेगी। तो अभी अकाउंट ओपन करवाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, 5 मिनट में अकाउंट ओपन होगा और 1 घंटे के अंदर आपके पास लॉगिन की क्रेडेंशियल्स आ जाएंगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डू इट राइट अवे। वीडियो को पॉज करिए, स्टार्ट करिए, सारा काम स्टार्ट करिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप लोग इसको करेंगे, उतना बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, और कल मंडे पे जो भी मैं आज स्विंग ट्रेड्स आप लोगों को दे रहा हूँ, उसका बेनिफिट आप कल के कल ही उठा पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस को, और देखते हैं आज मेरे पोर्टफोलियो या मेरी वॉच लिस्ट के अंदर कौन से बढ़िया स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज द पराग मिल्क। पराग मिल्क आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। ये भी एक स्विंग ट्रेड है, डेफिनेटली शायद मुझे लगता है 2 दिन के अंदर इसके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, बट तब भी आप इसे एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के लिए लेकर चल सकते हैं।
यहां पर आप देख सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग चैनल कंसोलिडेशन, एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा था ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 से. सो यहां पर इसका एक क्लियर ब्रेकआउट हम लोगों को मई में देखने को मिला था. आफ्टर अ क्लियर ब्रेकआउट इट गेव अ रीटेस्ट एंड रीटेस्ट के बाद दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है एंड इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम. मुझे लगता है स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे सकता है. करंट प्राइस है पराग मिल का 146-147 के आसपास का. मुझे जो लगता है इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं 160-170 तक के हो सकते हैं. स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 139 रुपीज का. ऊपर आप लोगों को पराग मिल के नीचे दिख रहा होगा. अब 160-170 तक के टारगेट्स कैसे फाइंड करे गए हैं तो आप यहां देख सकते हैं मल्टीपल कंसोलिडेशन. आप देख रहे हैं एक शार्प फॉल आई थी ऑलमोस्ट 300 रुपीज के लेवल से एंड उसके बाद जब यहां पर फॉल आई इट गेव अ पुल बैक, दोबारा नीचे आया, दोबारा पुल बैक दिया, डबल टॉप क्रिएट करा एंड शार्प फॉल आई. सो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है. यहां तक तो मैं मिनिमम टारगेट्स देख रहा हूं बट अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट 200 रुपीज का होगा जो कि पराग मिल्क भी दिखा सकता है. बट अभी हम लोगों को ज्यादा टाइम वेट नहीं करना, हम भी बस यही टारगेट लेकर चलेंगे. परसेंटेज रिटर्न की बात करो सो कितना परसेंट ये ऑलमोस्ट दे सकता है तो आई थिंक ये 10% मिनिमम रिटर्न दे सकता है. सो पराग मिल्क के लिए 10% का रिटर्न इट्स अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड. आप लोग इसे बाय करके चल सकते हैं. करंट लेवल्स पर मिलता है तो भी ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो भी ठीक है. 139 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा क्योंकि 139 के बाद ये स्टॉक इनवैलिडेट हो जाएगा. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक एंड देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिंदाल स्टील. जिंदाल स्टील आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ट्रेंड पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस. यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे एक शार्प अप मूव आई, शार्प अप मूव आने के बाद एक फॉल आया, फॉल आने के बाद इसने एक बेस क्रिएट करा है एंड अब ऊपर जा रहा है. सो यहाँ पर अगर पूरे फॉल की बात करें तो कितना आया है. सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक फिबोनाची बना के. सो हम लोग जो देख रहे हैं ऑलमोस्ट इसने 61% का एक रिट्रेसमेंट लिया और एग्जैक्ट यहाँ पर इसने एक बेस क्रिएट करा एंड बेस क्रिएट करने के बाद बेस का ब्रेकआउट दिया है. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ड्रॉप बेस एंड रैली, ठीक है. एक ड्रॉप आता है, एक बेस क्रिएट होता है, उसके बाद एक रैली होती है. जब रैली, जब ये चीज़ सिनेरियो आती है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि पास्ट पे ट्रेंड क्या था. पास्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव है तो अगर रैली का ब्रेकआउट आ रहा है, एक बेस का ब्रेकआउट आ रहा है, तो डेफिनेटली रैली कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक. जिंदाल स्टील की मैं बात कर रहा हूँ. अब आप लोग अगर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है. इस बेस का ब्रेकआउट दे चुका है. अब बात करते हैं टारगेट्स की. सो टॉप टू बेस तक बॉटम, यहां पर जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट लेवल तक का, ठीक है. तो मैं ये टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए. सो अभी करंट प्राइस है जिंदाल स्टील का 421 रुपीज का. आप लोग बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को. 450-460 तक के टारगेट्स मैं मान के चल रहा हूं दिखा सकता है और ये भी 6-7% का रिटर्न है. सो इसको भी आप एज अ स्विंग ट्रेड लेकर चल सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि कल इंट्राडे के अंदर सारे टारगेट्स अचीव होंगे बट एज अ स्विंग ट्रेड, एज अ 2-3 दिन के परस्पेक्टिव से आप इसे अगर होल्ड करेंगे, टारगेट्स आपके अचीव हो सकते हैं. स्टॉक इतना बेटर और स्टील सेक्टर ऑलरेडी इतना अप मूव में है और चाइना ने भी स्टील के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं अभी भी, तो यहां पर ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज तक भी पहुंच सकता है. तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डेफिनेटली रखिएगा. इसके अलावा बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी एक स्टील सेक्टर से ही है जिसका नाम है टाटा स्टील. तो सर टाटा स्टील पे भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है और ये पर्टिकुलर स्टॉक तो इतना बढ़िया है मेरे पोर्टफोलियो पे ऑलरेडी, ये पर्टिकुलर स्टॉक है आप लोग अभी भी इसे बाय करके चल सकते हैं. इसने एक क्लियर एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, प्लस अगर हम एक ट्राइंगल पैटर्न को इंक्लूड ना भी करें तो एक बुलिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है. सो लेट मी शो यू हेयर एज वेल. टाटा स्टील का आप देख सकते हैं एक ट्रेंड के अंदर, एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा था, एक रेंज का ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट देने के बाद अब ये देख रहे हैं छोटा सा गैप है, मैं आपको दिखाता हूं इधर, ये देख रहे हैं एक छोटा सा गैप आपको दिख रहा है, ये गैप को इसने फिल करा है. सो देयर इज अभी एक छोटा सा स्लाइट रिस्क हो सकता है कि शायद इस गैप को फिल करने के बाद नीचे आए, तो हमें बाय करने की जरूरत नहीं है. तो अभी करंट प्राइस है पर्टिकुलर स्टॉक का अराउंड 1158 रुपीज का, हमें बाय करना है जब ये 1161 रुपीज के ऊपर जाएगा. सो अगर ये 5 मिनट की कैंडल भी 1161 के ऊपर क्लोज करती है, यू कैन गो फॉर अ बाय. हमारा पहला टारगेट होगा 1190 रुपीज का, हमारा दूसरा टारगेट होगा 1245 रुपीज का. सो इट्स ऑल्सो अ स्विंग ट्रेड. स्टॉप लॉस आप लोगों को 1120 रुपीज का मेंटेन करके रखना है. अगर इसके परसेंटेज वाइज की बात करें तो कितना परसेंट का ये रिटर्न दे सकती है. सो ऑलमोस्ट ये
3% से लेके 7% तक कभी रिटर्न दे सकती है। सो तीन स्विंग ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए, दो स्टील सेक्टर से थे एंड एक स्टॉक आप लोगों को और बताया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक और देखते हैं उस पर क्या हो सकता है। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है, अपने ऑल टाइम हाई पे ये आ गया है एंड इसका ब्रेकआउट देने वाला है, एक नया ऑल टाइम हाई शायद ही कल के ट्रेडिंग सेशन पे बना सकता है। डॉक्टर रेड्डी बाय करने की सलाह दी जा रही है आप लोगों को। यहाँ पर एक ब्लू कलर के जोन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है एंड फाइनली इट कैन गिव अ ब्रेकआउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। सो अभी करंट प्राइस है इसका 54-53 रुपीज़ का। आपको एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए, आप ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रहे हैं, इस ब्लैक कलर की लाइन को भी ब्रेक करने में से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी। क्यों? लेट्स मूव टू अ वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं और ब्लैक लाइन पे फोकस करेगा, ये ब्लैक कलर की लाइन हमें क्या बता रही है कि इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर वीकली कैंडल ने अभी तक कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। कोई भी कैंडल ने ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 20 से। सो सितंबर 20 पे एक रैली आई थी एग्जैक्ट, उसके बाद एक फॉल आया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया। सो कम से कम एक साल से हम लोग देख रहे हैं, 6-8 महीने से देख रहे हैं कि ये स्टॉक, ये पर्टिकुलर स्टॉक इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने में कोशिश नहीं कर पाया। बट हम लोगों ने पास्ट वीक पे देखा कि इसने एक वीकली क्लोजिंग दिया विच इज़ अ वेरी गुड कैंडल एज वेल, और यहाँ पर हम लोग एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो दोबारा चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे एंड चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, सो जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है सी, यहाँ पर एक कम से कम एक महीना कंसोलिडेट करा है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक महीना कंसोलिडेट करा है, ऑलमोस्ट मई स्टार्टिंग से लेके टिल एंड 7-8 जून तक ये कंसोलिडेट करा इस रेंज के अंदर, और फाइनली इसने फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे पास्ट वीक के ब्रेकआउट दिया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब आप लोगों को टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस को नोट करना। देखिए स्टॉक अभी एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है, तो आपको बाय करना है। हो सकता है शायद एक बार रीटेस्ट आए, एक बार ये नीचे आए अपने जोन पे और रीटेस्ट लेके ऊपर जाए। सो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, या तो ये नीचे आता है तो आप लोग नीचे बाय करेंगे जब ये रीटेस्ट करेगा, या तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाय करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेकआउट की। सो ब्रेकआउट होने के लिए इसको होगा, मतलब ऑलमोस्ट अगर करंट प्राइस है 54.50 का, अगर 54.70 के ऊपर निकलता है तो यू कैन गो फॉर अ बाय। 5600 रुपीज़ के टारगेट्स हैं इसके, ठीक है। स्टॉप लॉस तब आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं 5400 रुपीज़ का, ठीक है, 5400 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है, मतलब नीचे भी इसकी डिप भी तो 100 रुपये की नीचे है, 100 रुपये जितनी इसकी डिप है। सो अगर ये नीचे आता है तो वहाँ पर आप लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, 50 रुपये की भी डिप देना तो भी बाय कर लेना, ठीक है। अगर 50 रुपये की 5400 के आसपास भी आता है तो भी बाय कर सकते हैं। 5600 रुपीज़ का टारगेट है, स्टॉप लॉस हमारा 5280 रुपीज़ का होगा, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डीज़ है, इस पर भी आप लोग अपनी एक बाइंग बनाकर डेफिनेटली चल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टॉक। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी बाय करने की सलाह दी जा रही है आप लोगों को। आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर काम कर रहा था, फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट। जब इसने एक ब्रेकआउट दिया, आप ब्रेकआउट देखने के बाद देख सकते हैं हम बाय कर सकते थे। आप लोगों को हमेशा पता है कि हम लोग ब्रेकआउट देखने के बाद कभी भी बाय नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं उसका जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है, जब वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग बाय नहीं करते हैं। तो आपने देखा जब एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसका जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस था, जो पर्पल कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट, वहां पर ये मल्टीपल ऑलमोस्ट एक हफ्ता कंसोलिडेट करा है। अब अगर इसका कल के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक बाइंग आ सकती है। सो आपको करना क्या है, करंट प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2213 रुपीज का, 2213 रुपीज का इसका करंट प्राइस है। आपको क्या करना है, जब ये 2223 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल अगर 2223 रुपीस के ऊपर क्लोज करती है, आपको बाय करना है। जो टारगेट्स आपको शो कर रहे हैं वो हमारे टारगेट्स होंगे। अब ये टारगेट्स कैसे फाइंड करे गए हैं, आप देख सकते हैं इससे प्रीवियस स्विंग हाई था ये एंड इससे प्रीवियस स्विंग हाई था ये, तो हमारे दो टारगेट्स हो गए हैं एंड दोनों टारगेट्स आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है। स्टॉप लॉस हम लोगों ने कैसे फाइंड करा, जो ये पूरा रेंज का कंसोलिडेशन था उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन है एंड वो हमारा स्टॉप लॉस होगा जब 15 मिनट की एक कैंडल इसका ब्रेकआउट देती है और क्लोज करती है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज था हमारा लास्ट स्टॉक। तो आई होप आप लोगों को सारे स्टॉक्स मिल गए होंगे, प्रेजेंटेशन हमारी पसंद आई होगी। सो राइट नाउ गो एंड क्लिक दैट लाइक बटन एंड वहां पर आप लोगों को मैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहूंगा। सो लेट्स मूव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, चलते हैं।
सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक राइजिंग वेज के अंदर काम कर रहा है इंडेक्स, एक राइजिंग वेज के अंदर काम कर रहा है। बट हम लोगों ने देखा था एक फॉल आया था, एक ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने का रीजन यही था, जो एक गैप था इस गैप को इसने फिल करा था एंड दोबारा इस रेंज के अंदर चला गया था। अभी भी एक रेंज के अंदर है कंटिन्यूसली, इट्स मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। सो यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर भी एक गैप को फिल करा है, इस पर्टिकुलर गैप को भी यहां पर फिल करा है एंड इसके बाद कंटिन्यूसली दोबारा ऊपर जा रहा है। सो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे ये हल्का सा एक नया हाई क्रिएट करता है, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आ जाता है। सो अभी एक रेंज के अंदर, एक कंसोलिडेशन फॉर्म के अंदर, एक वॉलिटाइल फॉर्म के अंदर ये इंडेक्स आ चुका है। सो अभी क्लियर डायरेक्शन अप मूव या डाउनवर्ड्स ट्रेंड हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। जब तक हम लोगों को वो एक डायरेक्शन ही देखने को मिलेगा, मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। निफ्टी, यस निफ्टी इज वेरी पॉजिटिव, निफ्टी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये नया हाई एवरी डे और एवरी सेकेंड डे बना रहा है। सो यहां पर निफ्टी पे सेलिंग नहीं है, निफ्टी एक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो तुरंत बाइंग उससे दुगनी आ रही है, तभी कंटिन्यूसली ये डेली हाइज बना रहा है। सो अभी भी करंट प्राइस इसका 15,800 के आसपास है, अभी भी ये 16,000 तक पहुंच सकता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। बट ये क्या कर रहा है, अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर ये हल्के हल्के जो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसकी वजह से आपके प्रीमियम पे डिके हो रहा है और वहाँ पर आप लोग लॉसेस बुक कर पा रहे हो, वरना आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा क्योंकि एक डायरेक्शनल अपमूव या डाउनवर्ड हम लोगों को ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एक कंसोलिडेशन एक जोन के अंदर काम है। सो निफ्टी के अंदर मेरे साइड से कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है ना सेलिंग की सलाह है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन है। तो मेरे हिसाब से अगर आप करना भी चाहते हो तो आप मंथ एंड की 15,500 का पुट को शॉर्ट करके चल सकते हो, वहां पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई ट्रेड बनता नहीं है। बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, अगर वहां पर कोई ट्रेड मिल रहा होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली बताया जाएगा। सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया गया है आप लोगों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पर्पल कलर की लाइन आपको सबसे पहले नीचे दिख रही होगी, ये पर्पल कलर की लाइन अभी एक सपोर्ट का काम कर रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं दो ब्लैक कलर की लाइन है जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स को दिखा रही है। उसका एक ब्रेकआउट आया था, आप यहां देखिएगा, इसका एक ब्रेकआउट इस लेवल पे आया था, ऊपर गया था, प्रीवियस स्विंग हाई था तो इसका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट इसी साइड लिया, दोबारा नीचे आया, यहां इसने सपोर्ट लिया, अब ऊपर जा रहा है। सो यहां पर अब दो सिनेरियोस बनते हैं, अगर ये अपने प्रीवियस इस पर्टिकुलर हाई को, यानी कि अगर ये 35,120 के नीचे 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 35,120 रुपीज के ऊपर अगर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करती है, बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 35,350 रुपीज का। और अगर ये नीचे आता है, अगर ये कंटिन्यूसली नीचे आता है और अगर ये 34,900 को ब्रेक कर देता है, तो जैसे ही अगर ये 34,900 को ब्रेक करेगा, हमारा पहला टारगेट होगा 34,800 का एंड 34,700 रुपीज़ का, ठीक है। क्यों, सबसे पहला टारगेट ये होगा एंड सेकेंड टारगेट हमारा होगा जो कि ये पर्टिकुलर लेवल है, जिस लेवल से एक एक्चुअल में बाउंस आया है, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो यहां पर भी, अभी कोई रेंज है, अभी कंसोलिडेशन है, तो कोई ट्रेड नहीं करना। यहां पर मैं आप लोगों को एक रेंज बता देता हूं, ठीक है, दोबारा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इस रेंज को मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं ग्रीन कलर से। इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना, रेंज का बॉटम है 34,900 का, रेंज का टॉप है 35,120 का। इस रेंज के अंदर इंडेक्स काम करता है, कोई ट्रेड नहीं है, ऊपर 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट बाय, नीचे 15 मिनट कैंडल का ब्रेकडाउन, तो सेल है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। वहां पर देखिए हल्का ऊपर हल्का नीचे हो रहा है, वहां पर आप अपने बाइंग साइड में कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे, बट इवेंचुअली वहां पर फिर आपके डिके की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। सो वहां पर मैं सलाह नहीं दूंगा, बट यहां पर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर लिसनिंग दिस होल वीडियो, लिसनिंग टू मी। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वो रिसर्च रिपोर्ट पाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की, सो अभी जाइए, फॉर्म को फिल करिए, अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट डालिए, एंड सेकेंड चीज, अपना एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट अभी ओपन करवाइए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसके थ्रू जो भी मेरे स्विंग ट्रेड्स हैं उस पे आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप लोग अर्न कर पाओगे। जब आप लोगों को 4 times का ऑन डिलीवरी मार इंटरेस्ट मिलेगा, आप 1 महीने के लिए होल्ड करो, 15 दिन के लिए होल्ड करो उनकी कैपिटल से, और आप लोगों को फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप लोग जून पे ट्रेड करते हो। सो गो राइट नाउ एंड ओपन योर अकाउंट, 5 मिनट लगेंगे, मैंने वहां पर पूरा बता रखा है कैसे अकाउंट ओपन करवाना है, एंड और अदर फैक्टर्स हैं वो भी एक्सप्लेन करे हुए हैं, वीडियो यहां पर शो कर रही है, वीडियो को जाके जरूर देखिए एंड वहां पर आप अपना अपॉर्चुनिटी बनाइए। थैंक यू गाइस, एंड उस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।